भक्त को बनावटी नहीं होना। मैंने बताया था ना, भक्त में चार चीजें नहीं होती, मिलावट, बनावट, दिखावट और सजावट। भक्त जैसा है, कोई अवगुण है, प्रभु जैसा हूँ तेरा हूँ। कुछ अच्छा है, प्रभु जैसा हूँ तेरा हूँ। जो इस भाव से आता है, भेष कैसा है, भूषा कैसी है, कैसा रूप रंग है, भगवान ये नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारी नियत कैसी है, तुम्हारा मन कैसा है, ये सब देखते हैं। और ये कथा सीख भी यही देती है कि श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि बनावटी चेहरे लेकर मत आओ मेरे पास। जिसे देखो वही बनावटी होता चला जा रहा है, बाहर कुछ भीतर कुछ, छल कपट से भरे हुए हम होते चले जा रहे हैं। हमें भगवान शिव की तरह भोले भाले से भाव रखने हैं, पूतना की तरह चतुराई और कपट नहीं रखना है। ठाकुर से मिलने जा रहे हैं और कपट भी लिए जा रहे हैं, कैसे बात बनेगी बोलो। भगवान के सानिध्य में आओ तो भोलेनाथ की तरह भोले बन करके आइए। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कौन सा असली है, कौन सा नकली है, पता ही नहीं चलता। हमने गिरगिट से पूछा तो वो कह रहा है कि आजकल तो मैंने भी रंग बदलना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंसान रंग बदलने लग गया। इतने रंग बदलता है कि पता ही नहीं चलता असली रंग कौन सा है, असली चेहरा कौन सा है। रात को कुछ, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ। कहो रात को तो तुमने ऐसे कहा था, बोले रात गई बात गई। बात का कोई महत्व नहीं इसके। आज हमने वाणी की सिद्धि खो दी, आज हमने अपनी बात की कीमत खो दी, आज हमने अपनों से ही अपनों का भरोसा खो दिया। आज कोई किसी की बात पर भरोसा नहीं करता है। पहले बड़े बड़े काम केवल बात के बल पर हो जाया करते थे, क्योंकि वाणी में हमारी ताकत थी, वाणी में हमारे सत्य था, वाणी में हमारी सिद्धि थी। लेकिन अब हर छोटी छोटी चीज के लिए कागज पर साइन करने पड़ते हैं ना, और उस पर भी भरोसा नहीं करते लोग, इसका कोई भरोसा। ये भरोसा खो दिया लोगों ने। आओ अपनी वाणी को सिद्ध करें, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज लाएं कि जब आप कुछ बोल दो तो लोग उस पर भरोसा करने लग जाए। कुछ ऐसा जीवन बनाइए। आपके अपने आप पर भरोसा नहीं करते। पत्नी कह देती है तुम तो बोलते ही रहते हो, तुम्हारी बात पर भरोसा क्या। हाँ बालक कहते नहीं, आप हमारे माता पिता तो ऐसे ही बोलते ही रहते। आप बातों पर भरोसा बना ही नहीं पा रहे। पुनः लेकर आई अपनी वाणी में वो शक्ति। शक्ति कब खत्म होती है? जब इस वाणी से हम झूठ बोलते हैं, जब इस वाणी से हम निरर्थक बोलते हैं, जब इस वाणी से हम निंदा आदि इत्यादि करते हैं, तब हमारी वाणी की शक्ति खत्म हो जाती है। नहीं तो वाणी तो साक्षात सरस्वती का स्वरूप है, माता सरस्वती बैठी होती है इस पर, यदि वाणी को साध लिया जाए तो। लेकिन हम देखो कैसे बड़ा चढ़ा के इतनी इतनी बड़ी बातें इस वाणी से, जो नहीं है वो भी कह देते हैं लोग, जो नहीं है वो भी कह देते हैं। इसलिए सहज बनो, भोलेनाथ से सीखो सहज बन कर आना, सरल रहना सीखना, छल से थोड़ा दूर रहना, चतुराई चालाकियों से दूर रहना। समझदार बनना पर चालाक मत बनना। समझदार बनने में और चालाक बनने में अंतर है। समझदारी से आप सफलता की ओर जाते हैं, लेकिन चतुराई से आप विफलताओं की ओर जाते हैं। चालाकियां नहीं चलती ना, कितने दिन चलेंगी चालाक। पूतना की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई? थोड़ी देर में ही आ गई, चाहे वो कैसा भी रूप बना के आ गई थी, लेकिन असली चेहरा तो सामने आ ही जाता है एक न एक दिन।